होटल पर हुआ अटैक। योहान और सेजल की सेलिब्रेशन पर फिर गया पानी। सेजल और योहान बन गए हैं बंधी। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आ गए मुंबई और मुंबई में हमें इंटेल मिली है कि आतंकवादी हमला होने वाला है एंड हमारा मेन सस्पेक्ट योहान नंदा है। सो दैट इज़ माय मोटिव टू कम हियर। और हम यहाँ पर आके बेसिकली आई एम एक्सप्लोरिंग कि एक्चुअली योहान के बारे में कई सारी बातें हैं कि वो बेकसूर है, और ये बात मेरे सामने आ जाती है। एंड यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है, मतलब टेररिस्ट अटैक होते हैं, गन फायरिंग होती है, और पूरे होटल में जितने भी लोग हैं उनको हॉस्टेज बना दिया है। एंड आफ्टर दैट आई रियलाइज कि योहान टेररिस्ट नहीं है, तो उसकी सच्चाई सामने आ जाती है यहाँ पर। हमारा बेसिकली मोटिव ये होता है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हालात जैसे भी हो, इफ़ यू हैव अ बिग हार्ट एंड आप दूसरों के बारे में सोचें और उनकी मदद करें, तो आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा हो गए। अच्छा करने वालों का अच्छा होता है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन टेलीविजन पे हमेशा हीरोइनें यही सारी चीज़ें करती हैं, नॉट बिकॉज इट्स क्लीशे, लेट मी टेल यू, ये क्लीशे बात नहीं है। हमारा बेसिकली मैसेज ये होता है ऑडियंस के लिए कि आपको सबकी मदद करनी चाहिए, बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। हम जिस लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, दैट इज़ लाइक अ वेरी गुड लोकेशन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ डेप्थ इन इट, एंड आई एम रियली रियली होपिंग कि हमारे एपिसोड्स आपको भी उतने ही पसंद आए जितने हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। It's very exhausting at the same time, but I am really hoping this time it works in terms of numbers. मैं आप सभी के लिए कहना चाहूँगी कि आपने हमें जितना प्यार दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग ये वाला सीक्वेंस ज़रूर देखें, एंड आई होप यू लाइक इट। चुपके से कानों में फुसफुसा कर दोनों करने वाले हैं प्लानिंग। इसी के साथ सीरियल का ट्रैक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जहाँ हमें अपनी तेज तरार स्पाई बहू की चालाकी देखने को मिलेगी। वेल, अब देखना यह होगा कि सेजल और योहान कैसे करते हैं सबको रेस्क्यू। इस अपडेट को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।